नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हम एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है इंद्रा नूयी अ कॉरपोरेट जायंट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये इंद्रा नूयी जी के बारे में है और शी इज़ अ कॉरपोरेट जायंट, और उनका ये जो आर्टिकल है बहुत सारे कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। एट द सेम टाइम उनकी जो सक्सेस स्टोरी है हर एक को पता होनी चाहिए, उन्होंने उनका लाइफ कैसा था, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, ये आर्टिकल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको ये समझ में लेना है दोस्तों कि हर एक के लाइफ में कुछ तो भी और कोई तो भी रोल मॉडल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इंद्रा नूयी जी के बारे में जानकर लेते हैं, उन्होंने ऐसा उनके लाइफ को यू कैन से उन्होंने उनका लाइफ कैसे सक्सेसफुल बनाया और हाउ शी बिकेम व्हाट अ कॉरपोरेट जायंट इन हर लाइफ। देखते हैं इंद्रा नूयी अ कॉरपोरेट जायंट। दोस्तों, मैं उनका आपको फोटो दिखाना चाहता हूं। अगर आप ये दोनों फोटोज देखेंगे उसमें जो फोटो ये जो लेडी है शी इज नथिंग बट व्हाट इंद्रा नूयी। अभी इनके बारे में हमें जान के लेना है उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया है और हाउ शी इवन बैलेंस्ड, उन्होंने खुद का पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने कैसे मैनेज किया था, कैसे बैलेंस किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इंद्रा नूयी अ कॉरपोरेट जायंट। दोस्तों, पहले हम यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो आर्टिकल है एक्चुअल आर्टिकल आपके बुक में हो सकता है, और यहाँ पे देखिए वो आर्टिकल लेके अगर आप बैठते हो तो आपके समझ में आएगा हमें यहाँ पे क्या करना है। कि ये जो आर्टिकल है पहला जो एम है इसका, कि इसका मतलब क्या, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि ये आर्टिकल स्टडी करने के बाद आपको क्या क्या समझ में आने वाला है और ये क्या स्टडी करने वाले हो आप ये आर्टिकल में। तो ऐसा है, टू स्टडी द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंद्रा कृष्णमूर्ति नूयी। आपको यहाँ पे इंद्रा कृष्णमूर्ति नूयी जो है उनकी हमें सक्सेस स्टोरी जो है वो स्टडी करना है। उसके बाद में टू फोकस ऑन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंद्रा नूयीज लाइफ, उनका पर्सनल लाइफ कैसा था, उनका फैमिली लाइफ कैसा है, और उसके बाद में प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हमें उनके देखने हैं। उसके बाद में देखना है टू आइडेंटिफाई वेरियस वर्क स्ट्रैटेजीज ऑफ इंद्रा नूयी, उन्होंने कौन से ऐसे वर्क स्ट्रैटेजीज थे, टेक्निक्स थे जो यूज़ किए उनके जब उन्होंने क्या किया था, जो वर्क व्हेन शी वॉज वर्किंग ऑन पर्टिकुलर यू कैन से पोजिशंस। उसके बाद में हमें देखना है टू बिकम अवेयर ऑफ इंद्रा नूयीज मैनेजमेंट स्टाइल, देखना है एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा है, और उसके बाद में देखना है टू फाइंड आउट हर वे टू बैलेंस हर प्राइवेट एज वेल एज व्हाट प्रोफेशनल लाइफ। तो उन्होंने प्राइवेट लाइफ और उनका प्रोफेशनल लाइफ जो हमें फैमिली लाइफ कहते हैं उन्होंने कैसे बैलेंस किया है। तो दोस्तों, ये हो गए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल ऑफ द आर्टिकल। क्या है दोस्तों टाइटल, टाइटल है इंद्रा नूयी कॉरपोरेट जायंट। तो सबसे पहले आपको ये समझ में लेना है कि ये टाइटल में जो नाम आया है इंद्रा नूयी, हु इज शी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इंद्रा नूयी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ, शी रीड ओवर हियर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको इंक means incorporations, that is what a CEO. So she worked as the CEO of what, PepsiCo incorporations, और वो क्या है, a multinational company food and beverages, means जो ऐसे drinks है apart from other than water, ऐसे जो drinks है उनका जो company है, company food है जो ये multinational company है उनकी, वो कौन थी, CEO रह चुकी है, chief executive officer। और second जो आया था उसमें दोस्तों word जो है वो है कॉरपोरेट। इसका मतलब क्या है, कॉरपोरेट मीन्स व्हाट, रिलेटिंग टू अ बिग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, एंड जायंट का मतलब है, जायंट मीन्स लार्जर और मोर इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमें समझ के लेना है, ये जो टाइटल हमें फर्स्ट समझ में लेना है। अगर हमें टाइटल ही पता नहीं क्या है तो हमें आगे का आर्टिकल ही समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो टाइटल दिया है वह उसमें जो नाम है वो लिविंग लीजेंड है, इंद्रा नूयी इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, ये समझ में लेना है हमें। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइटल में जो नाम है वो लिविंग लीजेंड है, इंद्रा नूयी स्टिल इवन शी इज़ वर्किंग इन डिफरेंट, और यू कैन से ऑन द बोर्ड ऑफ द
दैट कंपनी, व्हाट इज द कंपनी, पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन, दैट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी है दोस्तों. और कॉरपोरेट का मीनिंग आपको मैंने बोला है जो ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये टाइटल क्या है. उसके बाद में उनको जायंट क्यों कहा गया है, क्योंकि उनका जो इम्पॉर्टेंस है, शी हरसेल्फ क्रिएटेड दैट इम्पॉर्टेंस इन दैट इंडस्ट्री. उन्होंने खुद वो उनका जो ये है इमेज क्रिएट किया है, वो डिग्निटी उन्होंने वो क्रिएट की है वो पर्टिकुलर फील्ड में, जस्ट बिकॉज ऑफ हर वर्क स्टाइल एंड हाउ शी इवन मेड द प्रोग्रेस ऑफ दैट कंपनी. अभी देखते हैं हमने अभी यहाँ पे क्या डिस्कस किया है दोस्तों, टाइटल. अभी टाइटल के बारे में आपको बोला है, आर्टिकल में हमें क्या स्टडी कर रहा है करना है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बोले हैं. अभी देखते हैं आगे क्या दिया है, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. अभी अबाउट द आर्टिकल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे दी दोस्तों, हमें ये आर्टिकल के बारे में क्या करना है. देखिए, दिस इज द एसे टॉक्स अबाउट, और दिस इज एन आर्टिकल टॉक्स अबाउट. क्या दिया है इस आर्टिकल में, इंद्रा नूयीज राइज टू द टॉप एट पेप्सिको. उन्हें तो डायरेक्ट सीईओ बनाया नहीं होगा, तो उनका जो प्रोग्रेस है दोस्तों, हाउ शी ज्वाइन दैट कंपनी एंड हाउ शी बिकेम व्हाट, हाउ शी वेंट टू द राइज टू द टॉप ऑफ एट दैट पेप्सिको, मतलब उन्होंने सबसे ऊपर की जो पोजीशन है जिसे हम सीईओ कर देते हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको वो कैसे मिली, बिकॉज ऑफ उनके वर्क स्टाइल से, उनके मैनेजमेंट स्टाइल से. सेकंड, हमें ये आर्टिकल में क्या देखना है, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट व्हाट, हर वर्क एथिक्स, उनके वर्क स्टाइल क्या थी, प्रिंसिपल्स क्या थे उनके, उस एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, मैनेजमेंट स्टाइल क्या थी, कि उसके वजह से उन्हें क्या मिला है, सक्सेस मिला है. थर्ड है दोस्तों, हर वे टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल स्ट्रेटजीज. अभी ये मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब ने अभी समझ में आया होगा कि दैट इज पेप्सिको इज द मल्टीनेशनल कंपनी. इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो स्ट्रेटजीज है, ग्लोबल स्ट्रेटजीज, उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट की थी, कैसे सभी देशों में लागू की थी, हमें यहाँ पे देखना है. और फोर्थ जो है दोस्तों, वो है हर हैंडलिंग ऑफ पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उन्होंने खुद का पर्सनल लाइफ एज वेल एज जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास थी, वो यहाँ पे कैसे हैंडल किए, उसके स्ट्रेटजीज यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्कस किए. ये क्या है, अबाउट द आर्टिकल. अभी देखते हैं दोस्तों एक्चुअल आर्टिकल में क्या क्या दिया था. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखनी है इनके बारे में क्या है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखिए दोस्तों क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, इंद्रा कृष्णमूर्ति नूयी. उनका जन्म कब हुआ, शी वॉज बॉर्न ऑन 28 अक्टूबर 1955 में उनका जन्म हुआ, मद्रास में, चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया. दोस्तों सोचने की बात है, एक ऐसी लेडी जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में, इंडिया, मद्रास, चेन्नई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, जहाँ पे एक इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी ने कौन से कंपनी को यू कैन से लीड किया है एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज द अमेरिकन कंपनी. ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम बात है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट. और एक बोर नाइट नहीं हुआ है, ये जो सक्सेस स्टोरी है दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और ये हमें यहाँ पे देखना है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सक्सेस स्टोरी क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, इंद्रा कृष्णमूर्ति नूयी. उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 20 अक्टूबर 1955 को, कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था. वेयर इज मद्रास, और नाउ टुडे वी आर कॉलिंग दैट वन, चेन्नई, और तमिलनाडु में, इंडिया. और यहाँ पे वो वो कौन से फैमिली से थी, फ्रॉम तमिल स्पीकिंग आयर फैमिली, एंड नाउ व्हाट शी इज, इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन. इंद्रा कृष्णमूर्ति नूयी इज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन. अभी करंट स्टेटस जो है दोस्तों, अभी का उनका स्टेटस है, शी इज लिविंग इन ग्रीनविच, कनेक्टिकट, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एक दोस्तों एक टाउन है, वहाँ पे अभी वो रहती है. अभी हमें उनके बारे में जानना है, और किस प्रकार से मैंने आपको अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है इंद्रा नूयी जी के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका प्लेस कहाँ था, अभी वो कहाँ रहती है, आपको ये मैंने अभी बोला है, शी इज़ द लिविंग लीजेंड. प्लीज़ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हर, सो यू कैन से अबाउट हर सक्सेस स्टोरी. नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका क्या था.
तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका क्या है, कंप्लीटेड बैचलर ऑफ साइंस उन्होंने कंप्लीट किया है फ्रॉम कौन, कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, दैट इज बीएस, दैट इज व्हाट, बैचलर ऑफ साइंस इन विच ईयर, 1974 में। देखिए आप ये दिमाग में आपके होगा कि नहीं, तो अगर वो इंडियन बॉर्न, इंडियन बॉर्न क्या है, अमेरिकन सिटीजन है, तो उन्होंने वहाँ पे उनका पूरा एजुकेशन हुआ होगा, वहाँ पे उनको अच्छा एजु, देखिए दोस्तों आपका स्किल अगर आपने डेवलप किया तो आप सक्सेसफुल होना ही होना है, और हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका एजुकेशन जो है दोस्तों वो कहाँ से हुआ है, कॉलेज वो क्या, बैचलर ऑफ साइंस मतलब ग्रेजुएशन हम जिसे कहते हैं। अगर आप अभी बीकॉम कर रहे हो तो यू बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, यू कैन सी इवन बीई कर रहे हो, तो आपका वो ग्रेजुएशन है। उसी प्रकार से बैचलर ऑफ साइंस जो है उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया है इन 1974। उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं MBA, कहाँ से किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉट मैनेजमेंट, दैट इज IIM, कौन से ईयर में, 1976 में। दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू वॉट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहाँ से किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। तो कौन से ईयर में हुआ है उनका, 1976 में। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया है, मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम एल यूनिवर्सिटी, MS मास्टर ऑफ साइंस इन 1980। तो हमें ये देखना है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया है। आप बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इवन द पार्ट ऑफ द आर्टिकल में ये सब कुछ दिया है दोस्तों। एक्चुअल आर्टिकल आपने अगर देखा तो आपको समझ में आ गया, व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ विथ यू ऑल इट इज मेंशन देयर। तो इनका ये क्वालिफिकेशन होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी हम देखते हैं कि अबाउट हर प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या है, तो इस शॉर्ट में दिया है यहाँ पे दोस्तों, बिगिनिंग हर करियर इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने उनका करियर चालू किया। नूई हेल्प प्रोडक्ट मैनेजर पोजीशन एट जॉनसन एंड जॉनसन एंड टेक्सटाइल फर्म मेटूर बियर्सल। दोस्तों इनिशियली शी वर्कड विद जॉनसन एंड जॉनसन एंड देन इवन शी वर्कड विद टेक्सटाइल फर्म दैट इज मेटूर बियर्सल एंड शी ज्वाइन पेप्सी को। उन्होंने पेप्सी को कब ज्वाइन किया दोस्तों, इन 1994 में उन्होंने पेप्सी को में एंट्री की। ये समझ में लेना है कि उनका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन वर्ड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके लाइफ रिलेटेड सक्सेस स्टोरी के, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उन्होंने पेप्सी को कब ज्वाइन की दोस्तों, 1994 में, एंड शी बिकेम वर्ड दैट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ पेप्सी को इन विच ईयर, 2001 में उनको ये पोजिशन दिया गया है, दिया गया था, और अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सबसे बड़ी पोस्ट जो रहती है जो ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम कहते हैं CEO, उनको कब दी गई, इन 2007 में। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज शी बिकेम द CEO ऑफ पेप्सिको इन 2007। ये आपको सब ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो रिलेटेड मे बी ऑब्जेक्टिव होंगे, मे बी यू कैन से इफ़ यू आर राइटिंग व्हाट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, उसमें भी आपको ये इम्पॉर्टेंट है और आपको ये लिखना है, बिकॉज उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कब उन्होंने पेप्सी को ज्वाइन किया, व्हेन शी बिकेम व्हाट इवन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन 2001 ऑफ पेप्सिको एंड शी बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको इन 2007। दोस्तों आगे देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट हर प्रोफेशन, अभी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको इंदिरा जी को कौन से अवार्ड्स मिले, तो देखिए अवार्डेड विथ 12 मोर प्रीशियस, यू कैन सी अवार्ड, शी गॉट मोर देन व्हाट, 12 प्रीशियस अवार्ड्स। अभी ये जो है यहाँ पे जो मेंशन किया है दोस्तों, ये आर्टिकल में जो मेंशन किया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी स्टिल शी माइट हैव गॉट व्हाट मोर इवन अवार्ड्स ऑल्सो, शी गॉट इवन व्हाट, उन्हें पद्म भूषण जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो अवार्ड है वो पद्म भूषण भी दिया गया है। इवन फॉब जो मैगजीन है दोस्तों, ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें रैंक किया था नूई जी को ऑन द 2008 through 2017 लिस्ट ऑफ व्हाट द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूरी दुनिया में पहले 100 में आपका नाम आता है, द मोस्ट पावरफुल वुमेन,
पहले जो 100 की लिस्ट थी उसमें किनका नाम था, इंदिरा जी का नाम था, इंदिरा नूई जी का नाम था। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला है उनको रिकॉग्निशन कैसे मिला है, उनको अवार्ड्स कौन से मिले हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ हर रिकॉग्निशन। उनको क्या मिला था देखिए, फॉर्चून मैगजीन हैज़ नेम नूई नंबर वन ऑन इट्स एनुअल रैंकिंग ऑफ अवार्ड मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस फॉर कौन से ईयर में, 2006, 2007, 2008, देन 2009 एंड 2010। कंटिन्यूअली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। देखिए इतना ईजी नहीं है दोस्तों कि आपको कोई पावरफुल कहे, ये फैमिली की बात नहीं है, आपको समझ में लेना है। उन्होंने फॉर्च्यून मैगजीन, ये बहुत ही रिनोन और रिनोन ऐसा क्या है मैगजीन है, तो उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया था द मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस, जो लिस्ट उन्होंने की थी उसमें रिकॉग्नाइज किया था इंदिरा नूई जी को। और इन 2008 नूई वॉज नेम्ड वन ऑफ अमेरिकाज बेस्ट लीडर्स बाय US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लाइफ में अगर आपको ऐसा कोई क्या बोलते हैं आप उसे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क। देखिए अभी तक के डिस्कशन में हमने जो देखा है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा कि इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई इज द बिग नेम इन द सेक्टर ऑफ व्हाट, इन द सेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी हम देखते हैं आगे इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी के बारे में क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन जो है, क्या है ये पेप्सिको? तो आप बोले कि क्या है पेप्सिको, देखिए हमने दिखाया मैंने आपको यहाँ पे उसका लोगो के साथ, वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी, पूरी दुनिया में की चार नंबर की कंपनी है दोस्तों, रिलेटेड टू व्हाट, फूड एंड बेवरेज कंपनी। फूड मतलब फूड आपको पता है रेगुलर, एंड दैट इज व्हाट फूड रिलेटेड व्हाट इसमें दिया है, देखो नीचे लेज है, पेप्सिको है, ट्रॉपिकाना है, देन व्हाट इज देयर क्वैकर, ये ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट पेप्सिको। एंड बियोरेज मतलब क्या है दोस्तों, ड्रिंक है अदर देन वाटर, तो अदर देन वाटर जो ड्रिंक्स आते हैं इवन दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन, वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फूड एंड बियोरेज कंपनी। वो कंपनी के सीईओ कौन थी, कौन रह चुकी है, इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई। अभी देखिए दुनिया में जो चार नंबर की कंपनी है उसका सीईओ रहना, उसके वो कंपनी को लीड करना, दिस इज नॉट अ जोक। तो यहाँ पे मैंने आपको पेप्सिको के बारे में बताया, आगे देखते हैं दोस्तों अबाउट पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन, उसके कंपनी के बारे में यहाँ दिया है, देखिए क्या है पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन, इन दैट इज इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और कॉर्पोरेशन। क्या है ये, एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड स्नैक एंड बेवरेज कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन परचेस न्यूयॉर्क USA। इसमें सब आता है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आएगा आपका, न्यूयॉर्क में कंपनी परचेज दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो फूड स्नैक एंड बियरेज रिलेटेड काम करती है, उनका हेडक्वार्टर मैंने आपको बोला है न्यूयॉर्क में है, एंड इंटरेस्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे क्या क्या है उनका, मैन्युफैक्चर करते प्रोडक्ट, करते प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन बेस्ड स्नैक फूड्स, कौन सा है उनका, ग्रेन बेस्ड स्नैक फूड्स, बियरेजेस एंड अदर प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑल अबाउट पेप्सिको इनकॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट देखते दोस्तों क्या है अबाउट पेप्सिको इनकॉर्पोरेशंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी यहाँ पे क्या दिया है, इट वॉज फॉर्म, कब कंपनी की शुरुआत हुई, 1965 में विद द मर्जर ऑफ द पेप्सी कोला कंपनी एट फ्रिटो ले इनकॉर्पोरेशन। ये दो कंपनी का, ये दो जो दोस्त, ये जो दो कंपनीज थे उनका क्या हो गया, मर्जर हो गया, एक होके एक कंपनी तैयार हो गई, उसका नाम था पेप्सिको, दैट इज पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन। और पेप्सिको इंक्लूडेड एन एक्विजिशन ऑफ ट्रॉपिकाना प्रोडक्ट्स इन 1998, ये उन्होंने बाद में टेक ओवर किए वाली कंपनीज है, द क्वैकर ओट्स कंपनी इन 2001 एंड विच एडेड द अगेन व्हाट गैटोराइड ब्रांड टू इट्स पोर्टफोलियो। दोस्तों ये कुछ छोटी कंपनीज नहीं है, मतलब क्वैकर ओट्स है, गैटोराइड ब्रांड है, उसके बाद में उनका ये जो ट्रॉपिकाना है, इनको इन्होंने क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था, टेक और किया था, एंड ये जो सब किया है दोस्तों, वेन इंदिरा नूई वॉज वर्किंग एज व्हाट
अ सीईओ, जब इंदिरा नूयी जो काम कर रहे थे उन्होंने ये सब किया है। देखिए उनकी वर्किंग स्टाइल क्या हो गई, टेकिंग ओवर द कंपनी इज नॉट ए जोक। एखादी कंपनी को टेक ओवर करना तो ये जोक नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होने चाहिए। अगर हमने ये डिसीजन लिया तो वो डिसीजन क्या विल इट बी इन फेवर ऑफ व्हाट द कंपनी, और मे यू कैन से मे बी रॉन्ग इन रिलेटेड टू द कंपनी। ये डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन में। हम यहाँ पेप्सिको के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इंदिरा नूयी जी के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने वो कंपनी का जो प्रोग्रेस उन्होंने किया है वो दैट इज़ रियली पैरामाउंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों देखिए, अगर कोई कंपनी में आप काम करते, व्हाट पेप्सिको सेज अबाउट इंदिरा नूयी, इंदिरा नूयी जी के बारे में ये कंपनी ने क्या कहा है, ये जो यहां पे दिया है मैं रीड करने वाला हूं दोस्तों। देखिए, वी आर एक्सीडिंगली फॉर्चुनेट टू हैव अ लीडर ऑफ इंडियाज कैलिबर विजन एंड एक्सपीरियंस टू टेक द हेल्म। हेल्म मींस व्हाट, कंट्रोल। शी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल टू पेप्सिको सॉलिड डायरेक्शन एंड ऑन गोइंग सक्सेस एंड हैज द कंप्लीट एंडोर्समेंट एंड सपोर्ट ऑफ द बोर्ड। मीन्स एंडोर्समेंट मीन्स व्हाट, दैट इज अप्रूवल। मतलब इंदिरा नूयी जी का क्या स्टेटस था, क्या स्टेटस है, ये हमें ये पर्टिकुलर ओपिनियन से पता चलता है पेप्सिको के। किसी कंपनी ने आपके बारे में ऐसा कहना जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी इट वॉज स्टेटेड बाय द कंपनी, कब कहा है कंपनी ने, 2006 में, अबाउट इंदिरा नूयी इज वेन शी कंप्लीटेड 12 years पीरियड ऑफ इन द कंपनी एज अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी। ये कब कहा गया दोस्तों, 2006 में, जब उनको 12 years कंपनी में क्या हो गए थे, कंप्लीट हुए थे। अभी यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, उनका जो प्रोग्रेस है क्या है। कंपनी अगर आपके बारे में ऐसा कहती तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन यू एंड कंपनी इज अप्रिशिएटिंग योर वर्क आल्सो। एंड दिस इज नॉट अ यू कैन से व्हाट लोकल कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो बिकॉज दैट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों आगे देखते हैं क्या दिया है अबाउट इंदिरा नूयी जी। अभी इंदिरा नूयी जी की सक्सेस स्टोरी देखिए क्या है वहां पे। आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग। रूट्स इन चेन्नई ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। शी ग्रीव अप देयर, उनका बचपन वहाँ पे गया है। मेटियोरिक राइज इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज रिमार्केबल एंड स्टेडी टू हर फेम। दैट इज मेटियोरिक मीन्स उनका जो सक्सेस स्टोरी है इट इज़ वेरी यू कैन से वॉट, जो जिनका रूट्स चेन्नई में है, और ऑन वन फाइन डे शी बिकेम वॉट द सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज अमेरिका बेस्ड। तो दैट इज द मेटियोरिक राइज दोस्तों, ये समझ में चाहिए, समझना चाहिए हमें। ये कुछ सिंपल स्टोरी नहीं है, ये सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी है दोस्तों, समझ में लेना है हमें। एंड देयर वाज स्ट्रगल इवन, ऐसा कुछ नहीं, इवन हमारी जो मेंटालिटी रहती है, यस आई विल वर्क फ्रॉम 10 to 5, ये मेंटालिटी लेके इंदिरा नूयी जी सक्सेसफुल नहीं हुई है। आगे चल के हमें देखना है उन्होंने हाउ शी बैलेंस्ड, बिकॉज एकादे कंपनी का सीईओ होना इट्स नॉट अ जोक। एंड देखते हैं, इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट इज दैट, मोस्ट इमर्ज रिकॉग्नाइज आइकन्स ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस टू ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। एक है इंडिया में से जाके एक कंपनी का सीईओ बनना, वो कंपनी का प्रोग्रेस करना, ये इट्स नॉट अ जोक। इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट नीड्स यू कैन से व्हाट अप्रोप्रिएट डिसीजंस आल्सो, इट नीड्स व्हाट अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑल द पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड रैंकिंग इन द ग्लोबल कॉर्पोरेट अचीवर्स फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, इंडिया का हमें इसका बींग द इंडियंस हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं दोज हु आर मेकिंग और योर नेम यू कैन से द नेम ऑफ आर नेशन एट द एपेक्स, और दे आर टेकिंग द नेम ऑफ द नेशन एट द एपेक्स, ऐसे ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं कि उनकी वजह से हमारे देश का नाम भी रोशन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं अभी इनकी सक्सेस स्टोरी आगे क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंदिरा नूयीज सक्सेस स्टोरी। अभी देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको ये बोला है लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है। शी ज्वाइन पेप्सिको इन 1994 एज व्हाट, क्या कौन सी पोजीशन पे उनका सिलेक्शन हुआ था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट, ये सेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट के स्वरूप उनका वहाँ पे क्या हुआ था, रिक्रूटमेंट हुआ था। एंड शी शेप्ड द फो व्हाट इज दैट फोकस ऑफ द कंपनी,
ये पोजीशन पे काम करते हुए उन्होंने ये देखिए क्या किया है, फोकस किया था कंपनी के प्रोग्रेस पे। नेक्स्ट क्या है, शी सर्व्ड एज वर्ड प्रेसिडेंट एज वेल एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दैट इज सीएफओ फ्रॉम 2001 एंड बिकेम द पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी ऑल्सो। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, बिकेम द फिफ्थ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ पेप्सिको इन 41 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। मतलब वो कंपनी को कितने साल हो गए थे तब, 41 ईयर्स हो चुके थे एंड मेड मेनी चेंजेस इन द मैनेजरियल वर्क एथिक्स। दोस्तों यहाँ पे जो पोजीशन ली है उसके बाद में उनका क्या था रोल, ये यहाँ पे मैंने एक एक लाइन में मेंशन किया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हर सक्सेस स्टोरी। सो दिस इज ऑल अबाउट हर, यू कैन से डिफरेंट पोजीशंस ऑन विच शी वर्कड। सो दिस इज द सक्सेस स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी दोस्तों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मर सीईओ मतलब इंदिरा नूयी जी के पहले जो सीईओ थे स्टीव रेनमन, उन्होंने क्या कहा है इंदिरा नूयी जी के बारे में। रेनमन वर्क फॉर पेप्सिको फॉर 22 years ही वर्क ओ देर। और उन्होंने क्या कहा है, पहले उनके बारे में उनका क्या कहना है, खुद के बारे में उन्होंने क्या कहा है, देखिए। द टफेस्ट एंड ईजीएस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, टफ भी थी और ईजी भी डिसीजन क्या थी, आफ्टर 22 years विथ पेप्सिको मोर देन 5 ऑफ देम एज चेयरमैन एंड सीईओ आई हैव डिसाइडेड दैट माई फैमिली इज एंटाइटल टू मोर टाइम फ्रॉम मी दैन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग एज पेप्सिकोज सीईओ रिक्वायर्स एंड डिजर्व्स। उन्होंने खुद के बारे में बोला है कि वो इवन फैमिली एज वेल एज उनका खुद का जो पोजीशन था, इवन ही वर्कड एज द चेयरमैन एज वेल एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। उनका कहना क्या है कि इवन आई जो हैंडल करना था, आई थॉट दैट माई फैमिली नीड्स मी मोर इवन वाइल वर्किंग दिस वन। अभी उनका इंदिरा नूयी जी के बारे में क्या कहना है हम देखते हैं दोस्तों। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीव, ये है जो स्टीव रेनमन है जो मैंने यहाँ पे फोटो में आपको दिखाया है, इज स्टीव रेनमन। उन्होंने क्या कहा है देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इंदिरा नूयी, इंदिराज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पेप्सिको स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ एंड शी हैज बीन एन इनवैल्यूएबल पार्टनर एंड एले थ्रू आउट माई टाइम एज सीईओ। देखिए ये दिस इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन बाय द हायर अथॉरिटी। और उसके बाद में उनके अंडर काम करने वाला कोई जो है, अगर उनको सीईओ बनाया गया है तो शी इज एंड ही सेइंग दैट इंदिरा जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी में किए है पेप्सिको में, ये इट्सेल्फ हमें उसका कंपनी का प्रोग्रेस जो है उसमें से दिखाई देता है। एंड रियली शी इज वर्ड इनवैल्यूएबल पार्टनर, उनके जैसा पार्टनर कोई नहीं था व्हेन ही वाज वर्किंग एज द सीईओ आल्सो। यहाँ पे आपको मैंने स्टीव रेनमन का यहाँ पे फोटो दिखाया दोस्तों, और ओपिनियन ऑफ स्टीव रेनमन अबाउट इंदिरा नूयी। अब यहाँ पे देखते द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या दिया है, वॉट सेज हर द मोस्ट सक्सेसफुल वूमन, क्यों कहा जाता है उन्हें, क्या ऐसी कौन सी चीज़ें वहाँ पे देखती है। देखिए 50 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस फॉर्च्यून मैगजीन ऑन 14 नवंबर 2005 में जो किया था दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको अंडर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ये डिस्कस किया है। 50 मोस्ट पावरफुल वीमेन में उनका नाम था नवंबर 2005 में, फॉर्च्यून जो मैगजीन है उन्होंने उनका नाम वहाँ पे शामिल किया था। उसके बाद में 11th बीइंग एडवांस्ड वन प्लेस फ्रॉम द मैगजीन्स 2004 रैंकिंग्स में भी वो थे। और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग इन द ग्लोबल कॉरपोरेट एरेना, उनका ये जो है दोस्तों, देखिए वी आर द कॉमन पीपल दोज हु आर स्टडिंग दिस आर्टिकल, ये समझने के लिए भी हमें वी नीड टू स्टडी ये फॉर्च्यून मैगजीन क्या है। उन्होंने उनका नाम पहले 50 द मोस्ट पावरफुल वीमेन में क्यों लिया है, उन्होंने ऐसा कंपनी के लिए उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं प्लॉडिट्स फॉर हर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लॉडिट्स का मतलब क्या है दोस्तों, उनका प्रेसफुल उनका इम्पॉर्टेंट ऐसा क्यों है, उनका वर्क स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या था देखते हैं।
ओवर अ डिकेड इंदिरा नूयी डायरेक्टेड द ग्लोबल स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी. यहाँ हमें देखना है दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ओवर अ डिकेड, डिकेड का मतलब है मोर देन 10 ईयर्स. इंदिरा नूयी डायरेक्टेड द ग्लोबल स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी, उन्होंने कंपनी को लीड किया है पेप्सिको को. देन बींग स्ट्रेटेजिक शी स्टार्टेड अ सब्सिडरी वर्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मर्ज अदर कंपनीज एज बिलो. दोस्तों उन्होंने उनके जब वेन शी वॉज वर्किंग एज द CEO उन्होंने कौन से कंपनीज मर्ज कर लिए है, टेक ओवर किए थे, यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है. फर्स्ट है एंकर बॉटलर पेप्सी, बॉटलिंग ग्रुप PBG जिसे कहा जाता है, ये भी एक बड़ी कंपनी है. सेकंड ट्रॉपिकाना को उन्होंने क्या किया था, टेक ओवर किया है. देन द मर्जर विथ क्वैकर ओट्स एंड अमेरिकन फूड कॉन्ग्लोमरेट बेस्ड इन शिकागो, अमेरिकन कंपनी है, उनको भी उन्होंने क्या किया था, टेक ओवर. एंड नेक्स्ट है गैटरोड बिजनेसेस एंड अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स थीम्ड वॉट बेवरेज एंड फूड प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है. इस सब कंपनियों को जब इंदिरा नूयी जी वर्किंग एज वॉट ए CEO जो करके जब काम कर रही थी, उन्होंने ये कंपनीज को एक्वायर किया है, तो ये बहुत बड़ा उनका क्रेडिट था कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, और जो पेप्सिको के लिए, उनके पेप्सिको के प्रोग्रेस के लिए उन्होंने किया है. ये हमें यहाँ दर्शाता है दोस्तों कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमें समझ में लेना है. और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ए सक्सेसफुल यू कैन से वूमन इन अ कॉरपोरेट फील्ड, उनका क्यों यहाँ पे हम आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं, तो ये है उनका प्रेज अपलॉडिट्स फॉर हर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये यहाँ पे हमने देखा है. अभी आगे देखते हैं दोस्तों उनके बारे में और यहाँ पे क्या दिया है, हर स्ट्रेटेजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज क्या है. तो दोस्तों नूयी हैज़ बीन ड्राइविंग क्रिटिकल क्रॉस बिजनेस इनिशिएटिव्स. उन्होंने हमेशा क्या किया है, जो चेंजिंग सिनेरियो जो है, दैट इज ऑफ व्हाट चेंजिंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स, वो कंसीडर करके उन्होंने क्या किया है, उनके कंपनीज के प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए थे. तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उनको पता था कि हमें मार्केट में किस प्रकार से चलना चाहिए, और उसी प्रकार से उन्होंने हर बार उनकी स्ट्रेटेजी चेंज की है. और अकॉर्डिंग टू यू कैन से वर्ड कंज्यूमर और रिटेलर्स को क्या चाहिए, किस प्रकार से उनको प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने चेंज किया था. रॉबर्ट ई एलन ने उनके बारे में क्या कहा था, अप्रिशिएटेड नूयीज वर्क एंड ऑल्सो सपोर्टिंग हर एज शी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज एज पर द नीड्स ऑफ द ड्रामेटिक ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में कौन है, सेंटर पे कौन रहता है, कंज्यूमर. इफ योर कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग गुड. तो ये जो था, जो क्रक्स था बिजनेस का, जो क्रक्स था कंपनी के, वो एज अ सीईओ इंदिरा नूयी जी ने पहचान लिया था, और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे जो है बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स और रिटेलर्स उन्होंने किए थे कंपनी के प्रोग्रेस के लिए. दोस्तों नेक्स्ट जो दिया है, हमलिंग नेचर ऑफ इंदिरा नूयी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हो तो आपका हमलिंग नेचर कैसा होना चाहिए, ये इंदिरा नूयी जी के कैरेक्टर से हमें दिखाई देता है. देखिए क्या है, नूयी इज ग्रेटफुल टू पेप्सिको, देखिए ये ऑल्सो लॉयल एज वेल एज ग्रेटफुल थैंकफुल टू पेप्सिको फॉर गिविंग हर एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द कंपनी. अगर इवन शी इज थैंकफुल टू द कंपनी, इवन कंपनी सेड समथिंग अबाउट हर इवन इन गुड मैनर ऑल्सो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अटैचमेंट दिखाता है हमें एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेफिनेटली शी वॉज लीडिंग द कंपनी, वो लीड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में लेना है कि वो इवन शी इज ग्रेटफुल टू दैट कंपनी, थैंकफुल. वो उन्होंने अभी कैसे कभी नहीं कहा कि यस जस्ट बिकॉज ऑफ मी द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग, नो, शी इज सेइंग दैट आई एम थैंकफुल टू द कंपनी बिकॉज कंपनी ने मुझे एक चांस दिया है कि इस कंपनी को लीड करने के लिए. उसके बाद में शी इज थैंकफुल टू ऑल द CEOs लाइक वॉट स्टीव रेनमंड, रॉजर एनरिको, वैन खेलवे एंड डॉन नेंडल, वॉट इज दैट नेडल, एंड ऑल दीज आर द वॉट 1, 2, 3, 4. सो बिफोर हर देर वर हाउ मेनी CEOs, 4, एंड शी बिकेम द 5th one. हु बिकेम द 5th one? इंदिरा नूयी. आगे देखते हैं दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट हमलिंग नेचर ऑफ इंदिरा नूयी, हाउ इवन शी प्रेज्ड व्हाट स्टीव रेनमन, इवन शी सेड व्हाट इवन ही सपोर्टेड हर अ लॉट, एंड इवन शी अप्रिशिएटेड इवन
द वर्क ऑफ स्टीव रेनमन बिकॉज ऑफ वॉट ही हैज स्टीयर्ड, उन्होंने क्या किया था, दैट इज टू द कंपनी टू द स्ट्रांग पोजिशन एंड ही विल बी द कंटिन्यूइंग सोर्स फॉर द विजडम एंड एज वेल एज वॉट परस्पेक्टिव. सो ऑल्सो फॉर्चुनेट टू हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. शी इज नॉट सेइंग आई हैव डन एवरीथिंग, शी इज सेइंग वॉट टीम ऑफ पार्टनर्स बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव टीम एज वेल एज द ब्राइट एंड टैलेंटेड कॉलीग्स मोर देन 157,000. ये जो पूरे इम्प्लॉयज है, कलीग है, ये सबका जो है ये है टीम वर्क दोस्तों. एंड दिस इज कॉल्ड द गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर. यहाँ पे हमें समझ में आता है लीडर कैसा होना चाहिए. इंदिरा नूयी जी के स्ट्रैटेजीज कैसी थी, डेफिनेटली वो थैंकफुल थी, हम्बलिंग नेचर दिखता है. शी इज नॉट सेइंग आई हैव बिकॉज आई टुक दिस डिसीजन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग. नो, शी इज सेइंग दैट ये जो है टीम वर्क है, ये कंपनी के जो पार्टनर्स है उसके साथ साथ वो कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव टीम है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शी इज सेइंग व्हाट, जो मेरे कॉलीग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग काम कर रहे कंपनी के लिए, प्रोग्रेस के लिए कंपनी के, ये सब का ये क्या है, जो आज कंपनी खड़ी है इनके बदौलत खड़ी है. यहाँ पे इंदिरा नूयी जी के हमलिंग नेचर का हमें क्या होता है पूरा यहाँ हमें दिखाई देता है दोस्तों. और अभी यहाँ पे दिया है क्या, एस्पेक्ट्स ऑफ इंदिरा नूयी सक्सेसफुल जर्नी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. कौन से एस्पेक्ट्स है दोस्तों, बैलेंस फैमिली एज वेल एज व्हाट प्रोफेशनल लाइफ, उन्होंने बैलेंस किया था. इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए, हायर नानी इज टू हैव हेल्पफुल फैमिली सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था कि घर पे हर टाइम जाके उनके फैमिली के साथ, फॉर एग्जांपल उनके जो चिल्ड्रेन थे उनके साथ टाइम बिताना. तो उन्होंने क्या किया था, ओके, काम भी होना चाहिए, तो उन्होंने नानी जो कहते हैं, आया जिसे हम कहते हैं, नानी इसको हायर करना चालू किया और एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम उन्होंने कंपनी में स्टार्ट किया. तो सीनियर स्टाफर्स जो है उनको अलाउ किया था कि टू क्रिएट अ फैमिली सपोर्ट सिस्टम बाय पेप्सी को. ये है एक एम्प्लॉयर एंड बीइंग द लीडर, इवन शी वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट द फैमिलीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स. और जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स है उनको उन्होंने अलाउ किया था और पेप्सी को वॉज सपोर्टिंग फॉर सच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑल्सो. तो उन्होंने क्या किया था, देखो दोस्तों, हर 9 ईयर डॉटर जो थी, उनकी 9 साल की जो लड़की थी, जब ये आर्टिकल लिखा गया था, देखिए, 9 ईयर डॉटर वुड कॉल टू द ऑफिस. अगर उनकी लड़की अगर ऑफिस में कॉल करती है तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये पूरा जो है कंपनी में, शी वॉज टेकन टू हर मदर. लेकिन यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, उन्होंने ट्रेनिंग दे के रखा था ऑफिस टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट को कि हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन, व्हाट इज दैट, चिल्ड्रंस क्वेरीज ऑल्सो. एट द सेम टाइम शी वॉज थिंकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज शी इज ट्राइंग टू बैलेंस द लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज हर फैमिली लाइफ. एंड शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट हर ओन लाइफ ऑल्सो, नॉट ओनली ऑफ हर ओन लाइफ, बट उन्होंने उनके जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स है जो अच्छी पोजीशंस पे काम करते थे उन सब के लिए एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्या किया था दोस्तों, चालू किया था. और ये क्या किया, जो क्वेरीज थी चिल्ड्रंस क्वेरीज का, जब इंदिरा नूयी जी वुड हैव बी ऑन ट्रैवलिंग, जब अब वो ट्रैवलिंग करती होगी तब उन्होंने उनके रिसेप्शनिस्ट को भी बोल के रखा था हाउ टू हैंडल द क्वेरीज ऑफ व्हाट द चिल्ड्रेन. अभी यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नूयीज ओपिनियन अबाउट हर सक्सेस एज वेल एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में उनका क्या कहना है, कि उनका कहना क्या है, रूल्स टू अचीव द टॉप ऑफ द पेप्सिको लैडर, ये जो रूल्स है उन्होंने बनाए थे, हर टाइज विद द फैमिली, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो एक एंटायर इकोसिस्टम तैयार किया था, एंटायर इकोसिस्टम अराउंड यू, दैट इज फॉर चिल्ड्रेन, दैट इज व्हाट, क्लोज लूप सिस्टम, फीडबैक सिस्टम टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन होम. उनके साइमल्टेनियसली, ठीक है कंपनी में ये चालू है तो मेरे घर पे क्या चालू है, ये भी उन्होंने उसके लिए क्लोज लूप सिस्टम तैयार किया था दोस्तों. नेवर वेंट होम इन द इवनिंग, और उन्होंने कभी भी घर पे जाके शाम को ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड माई टाइम विद द फैमिली, नो, इवन शी स्टार्टेड वर्ड इवन गिविंग द मेल्स, सेंडिंग द मेल्स टू द सब्सिडरी अथॉरिटीज एट शार्प 4 AM अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्क मतलब आप कितने लॉयल होना चाहिए आपके वर्क के साथ, यहाँ पे हमें दिखता है. व्हाट शुड बी डन, व्हाट इज दैट, व्हाट शुड बी डन
बाय द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयड जो होते हैं उनके लिए एक यहाँ पे सलाह उन्होंने दी है. फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉयर मस्ट थिंक एज पेप्सिको, पेप्सिको बींग द एम्प्लॉयर जैसे उनके एम्प्लॉयज के बारे में सोचता है उसी प्रकार से बाकी लोगों ने सोचना चाहिए, बाकी एम्प्लॉयड्स ने सोचना चाहिए. शी इज सेइंग व्हाट उन्होंने क्या कहा है, टू फॉस्टर एंड ड्रॉ आउट द पोटेंशियल वर्क प्लेसेस हैव टू चेंज इन दिस डायरेक्शन, जैसे कि क्या चेंजेस होने चाहिए. शी इज सेइंग व्हाट इफ सच चेंजेस आर नॉट मेड, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में अगर आप सोचते नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. उन्होंने कहा है कि क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज रिमेन सेटिस्फाइड विथ वर्ड हैविंग वरीड ऑल द टाइम, दे विल बी इन वरी अनश्योर एम्प्लॉयज एंड मेकिंग अनसेटिस्फैक्ट्री कॉम्प्रोमाइजेस इन ऑल द डायरेक्शन. इसका मतलब आपकी कंपनी जो है वो डिग्रेड हो सकती है इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉयज के लिए भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यहाँ पे क्या दिया है वो आर्टिकल में सजेशन दिया है, तो वो हमें समझ में आना चाहिए. तो स्टीव रेनमंड्स का क्लोजिंग रिमार्क देखिए दोस्तों. स्टीव रेनमंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, ही वॉज द फॉर्मर सीईओ ऑफ द कंपनी. तो क्या है, तो उन्होंने कहा है पॉइंट्स इन स्टीव्स क्लोजिंग रिमार्क क्या है, अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ सेलेक्टिंग स्ट्रांग सीईओज बाय वन, उन्होंने बीइंग द सीईओ उन किसका वर्क देखा है, इंद्रा नूयी जी का. और वो देख के आप वो कहते थे कि पहले जो चार थे इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड जो फिफ्थ वन है इंद्रा नूयी जी, अनब्रोकन ट्रेडिशन ये लोगों ने क्या की है, स्टैंड की है, क्रिएट की है ऑफ बीइंग द स्ट्रांग सीईओज, प्रोवाइडिंग व्हाट द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट एक्सलेंट एंड क्वालिफाइड लीडर्स एंड इंद्रा नूयी इज द बेस्ट टू हैंडल द कंपनी. इंद्रा नूयी एंड हर टीम विल श्योरली टेक पेप्सिको एट द हायर लेवल ऑफ सक्सेस. दोस्तों ये जो पूरे पॉइंट्स है स्टीव रेनमंड ने जो क्लोजिंग रिमार्क किया है उनके बारे में इंद्रा नूयी जी के बारे में उसके पॉइंट्स है पूरे. देखिए हमें अभी पता नहीं है स्टीव रेनमंड का क्या स्टेटस था, ही वॉज इवन द सीईओ ऑफ दैट कंपनी एंड ही वर्क्ड इन दैट कंपनी फॉर 22 ईयर्स. तो ये रिमार्क एप्रिसिएशन अगर आपके वर्क का कोई करता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों. नेक्स्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. यहाँ पे जो रिमार्क हमने अभी देखा है यहाँ पे दिया है कंक्लूजन है अबाउट द स्टोरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका यहाँ पे पूरा दिया है दोस्तों. देखिए कंक्लूजन क्या है, तो इंद्रा नूयी सक्सेस स्टोरी इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, क्या है ये देखिए, द शियर और कंप्लीट हार्ड वर्क, डेडिकेशन टू द वर्क, वर्किंग विथ क्लोज बॉन्ड विथ अदर्स, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स. इस प्रकार से हमें क्या समझ में आता है दोस्तों, thus she has become the role model for many in the world who are determined to leave an impression in the world of finance and business. तो यहाँ पे ये concluding remark है दोस्तों. ये story में से हमने अभी तक क्या पढ़ा है, success story कैसी थी, उनका hard work है, dedication है एंड लॉयलिटी है वर्क के साथ. यस आई हैव टू वर्क फॉर द कंपनी. इंद्रा नूयी जी ने यहाँ पे हमें एक मैसेज है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपको कुछ कहना करना है हिस्ट्री, अगर आपको कुछ को हिस्ट्री तैयार करनी है खुद की, तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, वो बॉन्डिंग होना चाहिए और इक्विलिब्रियम जो है बैलेंस होना चाहिए इन ऑल द एस्पेक्ट्स. इट इज़ नॉट ओवरनाइट सक्सेस. हमने आज बहुत ही ऐसे लिविंग लीजेंड के बारे में दोस्तों इस आर्टिकल में डिस्कस किया है जिनका नाम है इंद्रा नूयी. डेफिनेटली आपको ये आर्टिकल में क्या है उनके लाइफस्टाइल, उनका जो सक्सेस स्टोरी का बेस था वो आपको समझ में आऊँगा दोस्तों. थैंक यू सो मच. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो फॉरवर्ड द वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस. थैंक यू सो मच.